दोस्तों, बहुत सोचने के बाद और एक क्वेश्चन ऐसा है बिहाइंड द कैमरा पूछ दिया, उसका आंसर भी इन दोनों ने सेम दे दिया। दोनों को रॉन्ग है, ऑरेंज और रेड आपको आना ही चाहिए था एट एनी कॉस्ट। उस टाइम लिटरली मेरे को बनाना ही नहीं चाहिए था वीडियो, ये वीडियो मेरे को नहीं बनाना चाहिए था। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नया वीडियो है जिसका टाइटल है हु नोज मी बेटर, एंड उसमें कॉम्पिटिशन होने वाली है मेरे ट्विन सिस्टर्स में। एक है हमारी महक और मुस्कान, और एक है हमारी महक। सो महक और सिर्फ मुस्कान, ये कंपटीशन होने वाला है। एक क्वेश्चन दोनों से, कौन जीतने वाला है, क्या लग रहा है? मैं तेरे को कितना कॉन्फिडेंस है भैया, को इतने अच्छे से जानते हो, क्या ही जानते हो मेरे बारे में, छोड़ो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सिंपल सवाल है, फर्स्ट सवाल है महक मुस्कान, अगर ये गलत हुआ ना तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 19x9 बोलो जल्दी। Come on. 189. Please. 179. 9 into 9, 9 होता है। अरे जल्दी, fast. 19 into 9. 19, 1, 9, 1, 9. 171. Are you right? 9, 9, 9, sir. पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। So आते हैं second सवाल पे। Okay, excited हो? Who is my सेलिब्रिटी क्रश? क्या क्या लिखा है सामने दिखाओ। कियारा हडवानी एंड आलिया भट्ट, यू आर करेक्ट। कियारा हडवानी अभी मेरी सेलिब्रिटी क्रश है, एंड बचपन में कैटरीना कैफ बहुत ज्यादा पसंद थी मुझे। कैटरीना कैफ कमली कमली डांस। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज माय फेवरेट डिश, वेज में एंड नॉन वेज में, दोनों में बोलना है। वेज में बोलो क्या है, लिखो लिखो, वेज में लिखो। अगर ये गलत क्या तो देखो, पालक पनीर एंड योर इडली सांबर, नो बोथ आर रॉन्ग। नो गॉड प्लीज नो। सी, मैं रोज खाता हूँ इडली सांबर, इट डजंट मीन कि वो मेरी सबसे फेवरेट डिश है। एंड पालक पनीर मेरे को पसंद है पर सबसे ज्यादा पसंद नहीं है। सबसे ज्यादा मेरे को पाव भाजी पसंद है वेज में, कभी भी बोलो पाव भाजी मेरे को पसंद है बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट नॉन वेज में चिकन, व्हाट इज इन चिकन, चिकन में क्या? ए नहीं, कॉफी बटर चिकन, बटर चिकन, चिकन रस में, चिकन रस में अंडा करी यार। सी, दोनों करेक्ट है, मेरे को खुद को बहुत कंफ्यूजन है। सी, मेरा पहला ऑप्शन है बटर चिकन, एंड सेकंड इज अंडा करी। सो ठीक है, चिकन रस में बटर चिकन एडजस्ट कर लेंगे अपन। सो ठीक है, दोनों का सही है, नहीं दोनों का सही है, फुल मार दोनों को। ओके, ठीक है, सिर्फ थर्ड पर ही, थर्ड क्या रॉन्ग था, सिर्फ थर्ड राइट है। अरे तू कंफ्यूज, वेज रॉन्ग हुआ, सॉरी यार, थ्री रॉन्ग, फोर करें। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम आई लव द मोस्ट, महक और मुस्कान। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। लिखो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मेरे को खुद को ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं दूँ ये आंसर के लिए। ये बात हमने कभी की नहीं है, फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे कर रहे हैं। 3, 2, 1, गुड गर्ल्स, गुड गर्ल्स, इतना भरोसा है मेरे पे। नहीं, एकदम सही जवाब है, दोनों को इक्वली प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ। अभी आएंगे पॉइंट पे, एम आई माउंटेन पर्सन और बीच पर्सन? बीच पर्सन। यू आर बोथ आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। माउंटेन, पर यार कम ऑन, मेरे को माउंटेन पे, मेरे को ट्रेकिंग करना कितना पसंद है। अरे बीच पे चिल करना सबको पसंद है, पर पहला प्रेफरेंस माउंटेन ही आता है। अपने को जाना है हिमालय में किधर, तो आफ्टर 60 जाके सेटल होना है। नहीं आप माउंटेन। विदाउट लुकिंग एट माय इंस्टाग्राम पेज, ओके, व्हाट इज द लास्ट थिंग आई पोस्टेड ऑन द इंस्टाग्राम? हाँ, लिखने का। दोनों एक तो सही हो रहे हैं तो दोनों गलत हो रहे हैं, मेरे को टेंशन उसका आ रहा है। मेरे को लग रहा है दोनों गलत होने वाले हैं अभी, क्योंकि मैंने शाम को पोस्ट किया है कि जल्दी लिख यार। सनलाइट में फोटो, फालतू पोज़ है वो। बात बोलूं, दोनों गलत है। रुको, मैंने बोला है नहीं अब तक। तू क्या जल्दी बोलती है? मैंने देखा नहीं, इंस्टाग्राम
मेक बहुत चेक करती है ना। मेक जल्दी बोल। अरे तू बोल अभी छोड़। ब्राइड एंड ग्रूम साथ फोटो आएगी? नहीं यार वो तो उसके पहले वाला था। अभी मैंने रिसेंटली डांस पोस्ट किया हमारा जो ब्राउन मुंडे डांस था ना। हाँ मैंने देखा था। मेरे को दोनों का टफ कॉम्पिटिशन वाला है। हमने शादी में डांस किया ब्राउन मुंडे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ इंस्टाग्राम पे देखो, बहुत सही डांस किया था सिर्फ 4 घंटे के प्रैक्टिस में। 4 घंटे भी ज़्यादा हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, सबको ये क्वेश्चन का इंतजार है। आई थिंक सो, एम आई इन द रिलेशनशिप, डू आई हैव गर्लफ्रेंड? नो। ओह इतना कॉन्फिडेंस है? गजब बेइज्जती है। व्हाई इतना कॉन्फिडेंस क्यों? किसको आप पे होगा? मेरे 10th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज आए थे? एंड आई वांट प्रॉपर परसेंटेज। एक एक साल बहुत अच्छा है थे इसलिए नहीं बार हूँ। मुझे बहुत पसंद है, उसका ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है, बट ही इज नॉट माय फेवरेट एक्टर। मैं बचपन से मैं उसके लिए क्रेजी हूँ, क्रेजी हो। शिट महक मुस्कान, शिट, गलती से भी नहीं, टाइगर श्रॉफ। क्या भारी दिखता है? जाने दो यार, अभी मैं क्या ही कमेंट करूँ, भारी नहीं दिखता वो। No, my God. चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, उसका गाना है। अभी आपको हिंट क्या ही दूँगा? हाँ बोल। No shit. आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, बताए कुछ भी नहीं जानते हो। इतने सवाल गलत किए हो साला। 1, 2, 3, 4, 5. अभी मैं एक हिंट क्या दूँ इनको, हिंट यार। वो बॉलीवुड में सबसे अच्छा डांस करता है। Come on. वॉर पिक्चर का? हाँ, good good, you are coming close. रणवीर सिंह वॉर पिक्चर में है महक। रणवीर सिंह वॉर पिक्चर में है। हाँ? कौन था? टाइगर श्रॉफ कौन था? इन्होंने आई थिंक नई जनरेशन है, इनको आज पसंद है BTS, कोरियन, वो क्या तो, और वो क्या था ना वो लड़कियों का ग्रुप कोरियन का, क्या नाम है, ब्लैकपिंक, ऐसा सब पसंद है साला। कुछ पता ही नहीं बॉलीवुड का, बॉलीवुड को इतना भी हेट मत करो, नई जनरेशन का बॉलीवुड क्या ये नहीं पता। अरे वॉर का तो उसका एक्टर का नाम बोलो यार, बेइज्जती हो रही है मेरी। ऋतिक रोशन। मैं जब एक क्वेश्चन की लिस्ट बना रहा था ना, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि आप ये 2 क्वेश्चन गलत करोगे, 10% एंड ये, मेरे को एक्सपेक्ट ही नहीं था। मैं खुद को मेरे को मारने की इच्छा हो रही है अभी, क्यों मैं क्यों ये कर रहा हूँ। व्हाट इज माय फेवरेट कलर? दो ऑप्शन में से एक तो आना चाहिए, दो मेरे फेवरेट है। नहीं, इसने तो पिंक लिखा है। अरे क्योंकि वो उसके पास बहुत कपड़े पिंक है। नो भैया, गॉट इट वर्किंग। सी मेरा फेवरेट जो है ना, फेवरेट कलर मेरे को ऐसा बोलोगे ना, मेरे को अलग अलग कलर्स पसंद है। सो फर्स्ट वन इज ऑरेंज। ऑरेंज और रेड मेरे को बहुत पसंद है, कुछ तो अलग दिखता है अपने को, वो पसंद है। एंड ब्लैक भी बहुत पसंद है, पर फर्स्ट ऑरेंज एंड रेड था ये आपको। नो नो, ब्लैक इज नॉट करेक्ट, दोनों को रॉन्ग है। ऑरेंज और रेड आपको आना ही चाहिए था एट एनी कॉस्ट।
उस टाइम लिटरली मेरे को बनाना ही नहीं चाहिए था वीडियो, ये वीडियो मेरे को नहीं बनाना चाहिए था। इतना डिसअपॉइंट किया उन्होंने मेरे को, ना चिराने के छोड़े दोनों, मारोगे दोनों को साला। अभी देखो ये वीडियो के एंड में ना कुछ तो अच्छा बोलना है आपको, आई होप अच्छा बोलोगे। डिस्क्राइब मी इन 3 वर्ड्स। पर ये अच्छा नहीं लिखा ना, मार खाने वाले दोनों मेरे से बहुत बहुत झगड़े होने वाले। अच्छा ही लिखना है। हेयर लॉस, हेयर लॉस, इंडिपेंडेंट एंड पढ़ाकू। सच्ची बोल तो सबसे फनी हेयर लॉस और सबसे बुरा हेयर लॉस ही लगा है। पढ़ाकू यार जा रहे यार, बाल डॉक्टर के, डॉक्टर के बाल जा रहे यार, छोड़ इतना लाइफ ये हो गया। इंडिपेंडेंट आई एग्री, एंड पढ़ाकू अभी नहीं हुआ यार, पहले बहुत पढ़ा भैया, अभी भी है, अभी भी है। अच्छी बात है कि नहीं, बुरी बात? मेरा मेरा मेरा। हाँ तू पढ़। स्मार्ट, पढ़ाकू और सिंगल फॉरएवर। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सिंगल फॉलोअर क्या बेइज्जती चल रही है यार मेरी तुम्हारी, क्या सिंगल फॉलोअर लगा के रखा है सारा, बता कुछ है नहीं मेरे बारे में, सिंगल फॉलोअर लेकर कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो। अभी देखते किसके कितने करेट है, किसके कितने रॉन्ग है, करेट ही गिनो। कितने सवाल पूछे मैंने, 12 सवाल पूछे, 12 में से करेट। मैं मुस्कान का गिनता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है 12 बार दोनों, 5 फॉर मुस्कान, ओके। एंड महक 1, 2, 3, 4, 5। अरे इतना ट्विंस हो मतलब इतना सब कुछ सेम नहीं आना चाहिए यार, कुछ तो एक तो चाहिए डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। अरे तेरे 6 रहेंगे, उसने वेज का क्वेश्चन हाँ था ना, ये रॉन्ग है। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना, 1, 2, 3, 4, 5। शिट अभी एक क्वेश्चन निकालना पड़ेगा मुझे। भैया को किससे ज़्यादा डर लगता है, मम्मी और पापा? लिखे जल्दी, पापा रॉन्ग। कैसे कैसे मेरे को मम्मी से डर लगता है? मम्मी से कैसे? अभी 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 स्टेज ऐसे कि दोनों से बहुत अच्छा है, बट पहले बचपन में मम्मी ने इतना कूटा है ना मेरे को, इतना कूटा है मेरे को मम्मी से डर लगता है, पापा से थोड़ी डर लगता है। पापा पापा ने कभी नहीं मारा, मम्मी ने बहुत मारा है यार। दोस्तों बहुत सोचने के बाद और एक क्वेश्चन ऐसा है बिहाइंड द कैमरा पूछ लिया, उसका आंसर भी इन दोनों ने सेम दे दिया है। सो एट द एंड ट्विंस है दोनों, मेरे बारे में इक्वली जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। सो इसलिए दोनों को गिफ्ट नहीं मिलने वाला है, एंड बोथ आर विनर्स। क्लैप्स, हाथ ऊपर करो, बोथ आर लूजर्स। सो दोस्तों ऐसे अगर ये टाइप के Q&As एंड हु नोज मी टाइप के वीडियोज आपको अगर पसंद आते तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एट द एंड इतना ही कहना चाहूंगा, प्लीज सब सरक लाइक शेयर सब्सक्राइब। बच्चों क्या क्या सिखाना पड़ता है यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।